हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज हम अपने IZI Mini X को, जो आप कमेंट में बार बार मुझसे पता कर रहे थे कि इसका जूमिंग कैसे होगा, जूमिंग के बारे में बताओ। तो दोस्तों, आज हम इसके आपको जूम के बारे में बताएंगे कि जूम कैसे करना है। और दूसरा दोस्तों की कमेंट आ रही थी कि हमारा ड्रोन रिमोट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि रिमोट को कैसे रिसेट करके आप ड्रोन से अपने कनेक्ट कीजिए, तो आपका रिमोट जो है ड्रोन से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जूम के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। तो दोस्तों, आपको जूम करने के लिए वीडियो को FN को प्रेस करके रखना होगा, और जो ये आपका बटन है जिम्बल का बटन, इसको आपको अपने हिसाब से जितना जूम करना है आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो जैसा आप वीडियो में देख भी रहे होगे कि जूम आउट और इन हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है इसका जूमिंग करना और आउटिंग करना, कि बहुत सौ को नहीं पता था। तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जो मैं इसके जूम के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसे आप देख सकते हो। बाकी मैं इसकी वीडियो बना दी है, वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, जो आप देख भी रहे होंगे। और दोस्तों, दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन अगर आपका ड्रोन से रिमोट से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम करता है, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, अगर आपका जो रिमोट RC है, जो आपका अगर आपका ड्रोन से कनेक्शन होने में प्रॉब्लम करता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आपको FN को प्रेस करके रखना है और ऑन का बटन दबाना है। जब आपको इसकी आपको आवाज आएगी, ये दो बार आवाज करेगा, उसके बाद आपको दोनों को बटन को छोड़ देना है और ये अपना आप उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप करके देखना आपको, बाकी मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। उससे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए ड्रोन की बनाई हुई।